रहे हो बेटा? माँ वो ऊपर क्या है माँ? ऊपर भूत प्रेत रहते हैं, बच्चों को चीर फाड़ के खा जाएंगे। मैं ऊपर जाऊंगा माँ। फिर से वही बात। इस बार चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? वो जल पर्वत देखा है? बादलों में घुसा पड़ा है। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ कम से कम 100 बार। अभी देखना इस बार भी फिर से गिरेगा। अंद्रा 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। स्वामी मन्नत पूरी हो गई तो मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा? उस जल पर्वत पर जाना छोड़ देगा? ओ, शिव की शक्ति जानती हो? तुम मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है स्वामी। माँ तुम अपने आपको छोटी बच्ची समझते हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? माँ मेरी बात सुनो ना। जा, कभी तूने मेरी बात सुनी? बाबूजी माँ को समझाओ ना। संग्या क्या? अरे उपुल तुमने कहा रखा? बाबूजी छोड़ मुझे। अच्छा तुम्हारी जगह मैं कर दूँ? मान जाओ ना। ना शिव नहीं मानेंगे, जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। स्वामी तुम अपना हाथ मरोड़ो ना। माँ माँ क्या है रे? माँ मैं तुम्हें ऐसे उठा लूंगा, अब नहलाओ अपने शिव को। मान जाओ ना। ना शिव नहीं मानेंगे, जिसने मन्नत मानी है उसी को पूरी करनी होगी और चल के पूरी करनी होगी। स्वामी आप और आपके शिव जी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है वो हम कर जाने। ए सांगा, ए तेरा बेटा क्या करने जा रहा है? अब क्या करने जा रहा है? खुश होना।
आपने कहा वही हुआ। पिछली अमावस्या मेरे शिवा ने उस जल पर्वत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो कहा समझा था शिव को? लेकिन जब देखो वो मुखौटा जो शिवलिंग से टकरा के नीचे गिरा था उसी को पकड़ के बैठा रहता है, वो है क्या? कहा पता शिव का देता है, हम कहा जाने, शिव से ही पूछना पड़ेगा। स्वामी लिंग का अभिषेक तो हमारे बेटे शिवा ने किया है ना, तो ऊपर जाने की उसकी मन्नत पूरी होगी या फिर सांगा की मन्नत कि शिवा यहीं रहे। आग लगी तुम्हारी जबान को, मेरे बेटे ने जो किया मेरे लिए किया तो मेरी मन्नत ही पूरी करेगा, है ना स्वामी? शिव जो सोचता है वही करता है। शंभू शंकर, शंभू शंकर। का बोले? अरे ओ शिवा, और कितने दिन इस लकड़ को पकड़ के बैठे रहोगे? वो ऊपर कोई तो है। है तो तुमको क्या, वहाँ तुम्हारी माँ कब से गला फाड़ रही है। चल घर चल। जाओ रे, मैं बाद में आऊंगा। ए चलो रे।